आने दो। देखिए कैसे ये देखिए आराम से निकल जाएगी। हे हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद है चढ़दी कला में होंगे और चढ़दी कला ही होनी चाहिए। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में, और आज के व्लॉग में हम आपको लेके जा रहे हैं भद्रवाह। भद्रवाह जहां दो तीन दिन से स्नोफॉल हो रहा है। अभी तो हम डोडा में हैं, डोडा में स्नोफॉल नहीं होता, यहाँ पर बारिश लगी है दो दिन से। और सुना है कि भद्रवाह में बर्फ़बारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है दो दिन से, तो उम्मीद है वहाँ पे 1.5-2 फुट बर्फ़ देखने को मिलेगी, कुछ एंजॉय करेंगे। अभी यहाँ पे बारिश लगी है तो लग रहा है वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। जी जी पेट्रोल है। बस सलाम अलैकुम। अभी देखिए स्नोफॉल हो रहा है और हम अभी हैं भद्रवाह में। देखिए भाई, जिस चीज़ का शौक था फाइनली वो हमें मिल गई है, और अभी स्नोफॉल हो रहा है। हम हैं भद्रवाह की हसीन वादियों में, और आप देखिए क्या खूबसूरती है, स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, और हम पहुँच चुके हैं भद्रवाह में। और ये हमारी लाल परी है, देखिए इसके ऊपर कैसे बर्फ़ जम रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए बर्फ़बारी यहाँ से, देखिए देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। और बिल्कुल ही सही टाइम पे हम पहुँचे हैं भद्रवाह। जम रही है रोड में बर्फ़, और देखिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ रहा है, तमाम गाड़ियाँ जितनी भी चल रही हैं और मज़े ले रहे हैं यहाँ पे। आप देखिए ये एक गाड़ी जा रही है, बिल्कुल सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए गाड़ी चलानी पड़ती है यहाँ पे। स्नोफॉल होता है जब हमारे पहाड़ों में, लेकिन एंजॉय करना है तो फिर कल क्यों, आज ही क्यों ना। भाई अभी आप देखिए तकरीबन चलना मुश्किल हो रहा है, बर्फ बहुत ज़्यादा है और स्लिप भी है। सीधा रख कैमरा। और हमें यहाँ से ही वापस जाना पड़ेगा। आ जा। नहीं चढ़ रही है। नहीं, पीछे वहाँ पे थोड़ा तंग है, वहाँ पे गाड़ी लगती है, वहाँ यही लगा।
आपने आगे जाना है? हाँ, मैं आगे जाना है। देखिए चढ़ रही है हमारी गाड़ी, चढ़ ही गई है तकरीबन। मैं बोल रहा था यहाँ पे लगाऊं ही नहीं, यहाँ पे कम जगह है ना, ऊपर लगा। हाँ चल ऊपर ही लगाते हैं थोड़ा सा। ऊपर है नहीं जगह, ऊपर है नहीं जगह, ऊपर नहीं चढ़ेगी ना, ये कित लगेगा वैसे। यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तो अंदर बाढ़ के लगाओ, अंदर ठहरो, यहाँ पे खतरा है, थोड़ी स्लोप है यहाँ पे। देखिए कैसे गाड़ियां फंस रही हैं। देखिए देखिए कितना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए आराम से निकल जाएगी। आने दो, देखिए कैसे। फोटो खींचते यार। अभी हम यहाँ एक जगह पे पहुँचे हैं और यहाँ से आगे जाना अलाउड नहीं है और यहाँ पे ही लोग एंजॉय कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे कितने लोग आए हैं, बाहर से ही हैं, सारे बाहर से ही हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मुजस्मा जैसा बनाया है और देखिए बहुत दूर दूर से लोग तकरीबन आए हैं, नाइट स्टे भद्रवाह में करते हैं और यहाँ आके एंजॉय करते हैं। आप देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, गाड़ियाँ हैं आगे लेके चलते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए आप, ये बर्फबारी कम है लेकिन जो स्नोफॉल हुआ है ऑलरेडी वो तकरीबन फुट के करीब है और धुंध भी पड़ रही है यहाँ पे। देखिए धुंध भी पड़ रही है और यहाँ से हम नीचे उतरने की कोशिश करेंगे, अल्लाह करे कोई रिस्क ना हो और कोई कांटा वगैरह ना हो, कोई पत्थर ना हो जिससे चोट पहुँच सके। और हम यहाँ से उतरने लगे हैं, आ जा। और बर्फ़ यहाँ पे तकरीबन 1.5 फुट के करीब है जहाँ से हम उतर रहे हैं। और हाँ भाई आप कौन से स्टेट से हो? मैं स्टेट से नहीं, मैं यहाँ का लोकल। लोकल हो जी, बिल्कुल। कैसा मजा आ रहा है आपको? मजा तो हमें आ रहा है, आप बताओ आपको कैसा मजा आ रहा है? हमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और हम ये छोटे कश्मीर से जाना जाता है, आपको कैसा लगा? है सच में छोटा कश्मीर? छोटा कश्मीर है वाकई। आप कहाँ से? छोटा कश्मीर है, मैं भी यहीं से हूँ भाई। चलते 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 आप भाई लोग एंजॉय करने आए हैं यहाँ पे, एंजॉय और देखिए हम उनको और एक्सप्लोर करें। हाँ तो जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनसे निवेदन है कि यहाँ के लोग तो बहुत ही अच्छे हैं,
आप उनसे इंटरेक्ट करिए, मिलिए और एंजॉय करिए। वैसे भाई आप कहाँ से? मैं डोडा से हूँ। आप भी हाँ, से हो? मैं भी डोडा से हूँ भाई, और मेरा नया ही चैनल है, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है जी? बिल्कुल। क्या नाम है आपके चैनल? यासर गुजर व्लॉग्स। यासर गुजर व्लॉग्स, आप व्यूअर से सबसे रिक्वेस्ट है कि यासर गुजर व्लॉग को चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकॉन वाला बटन भी क्लिक प्रेस करें, आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे हमारे जैसे मुनव्वर फारूकी थे, देखो एक यूट्यूबर ही थे एक किस्म के वो, तो आज देखो ये भाई कोई आए हुए हैं, सितारा के फाइनलिस्ट है। मैं हाँ। बहुत बड़ा फैन हूँ मुनव्वर फारूकी का। अगर मुनव्वर फारूकी ये वीडियो उस तक पहुँच जाए तो मैं भद्रवाह से हूँ, छोटा कश्मीर के नाम से जाना जाता है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने भी आपको खूब सारे वोट किए हैं, फाइनल के दिन भी किए हैं। मैंने भी तो आयशा, आयशा क्या नाम है उसकी जो वहाँ पे आई थी, जिसको वो हुई थी एंट्री, क्या कहते हैं उसको, वो कौन सी एंट्री होती है वो, वाइल्ड कार्ड एंट्री में जो आई थी आयशा, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि मुनव्वर को आपने बहुत सताया है, रुलाया है, आप और कोई अच्छा सा देख लिए, और लड़कों की कमी नहीं है, सवा एक करोड़ चालीस लाख के लोग हैं इसमें इंडिया में, हिंदुस्तान में, चाइना को आप पीछे छोड़ रहे हाँ। पड़े हो तो नाजमा से रिक्वेस्ट है कि आप पैचअप कर ले, दोबारा ब्रेकअप होता रहता है, तो बाकी गुड बाय। हाँ तो भाई ने बताया जैसे आप हार्ड वर्क करते रहिए, आप कंसिस्टेंट रहिए, तो आपको जरूर एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा जो भी आप काम कर रहे हो। बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना इसके, देखिए भाई जो भी यहाँ पे हम हैं, ये लोग लोकल हैं सारे और मजे ले रहे हैं, और जो बाहर से आए वो कृपया ऐसे माहौल में ना आए, कपड़े वगैरह गर्म पहन के आए। नजदीक लाना, देखिए कितना बड़ा बम बना लिया है, और अभी हम इसको नीचे गिराएंगे यहाँ से, देखिए आप। देखिए हमने यहाँ से उसको नीचे गिराया है और अभी भी फटा नहीं है, देखिए यहाँ पे पहुँच गया है, और बर्फ देखिए फुट सवा फुट के करीब बर्फ है यहाँ पे, और बहुत एंजॉय किया हमने, मज़े लिए, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सांस फूल रही है। हम थोड़ा जंगल में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कितना मज़ा है यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे जितना ऊपर इंसान जाता है और बर्फ जो है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। देखिए तकरीबन 40-50 फुट ही ऊपर आया हूँ मैं, और यहाँ 1.5 फुट से ऊपर बर्फ है, आप देखिए क्या खूबसूरती है। यहाँ पे लोग मज़े लेने के लिए आए हैं, देखिए कितने ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, वहाँ देखिए आप, भाई आज के व्लॉग में इतना ही, आज का व्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है, आगे हमारा गोप्रो सक्षम नहीं है वीडियो शूट करने में, तो आज का व्लॉग यहाँ पे ही एंड करते हैं, और आप लोगों से एक ही निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और घंटी वाले आइकन बटन को दबा कर एनेबल कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सको।
थैंक यू, जय हिंद।